हाय, जय माता दी। दिस इज़ कविता भक्तियानी। आज हम बनाएंगे कुरकुरी भिंडी। यस, ये बहुत ही अच्छी बनती है, क्रिस्पी बनती है, जस्ट लाइक कांदा भजी के जैसा। दिस इज़ भिंडी भजी। ओके, लेट्स स्टार्ट। इसके लिए हमें भिंडी चाहिए ऐसे कटी हुई, लंबी लंबी, पतली पतली, और चावल का आटा, बेसन और लाल मिर्च, अजवाइन, नमक, हींग, और इसे हम अभी बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए हमने पहले भिंडी में नमक, लाल मिर्च, अजवाइन डाल के अच्छे से मिक्स करना है और थोड़ी सी हींग भी डाल देनी है। उसके बाद हमने उसमें चने का आटा और चावल का आटा दोनों डाल देना है और अच्छे से मिक्स करना है। ज़्यादा आटा लगे तो उसे हमने निकाल देना है, सिर्फ इतना ही रखना है जितना भिंडी पे लग जाए और उसको चिपक जाए। उसके बाद हमने उसमें गरम किया हुआ कढ़ाई में जो तेल है उसमें 2 चम्मच उसमें डाल देना है और थोड़ा सा पानी, हल्का सा पानी डाल के उसे हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमने एक ड्राई पाउडर भी बना लेना है लाल मिर्च और आमचूर का, जो हम इसके ऊपर बाद में फ्राई करने के बाद ऊपर से छिड़क सकते हैं, वो ऑप्शनल है। अभी हमने शुरू से गर्म हो जाने के बाद इसे धीरे धीरे डालते जाना है। बहुत बहुत एक साथ नहीं डालना है क्योंकि हमको कुरकुरे चाहिए, इसके लिए कम कम डालना है और सेपरेट करते करते डालना है। देखिए कैसे कुरकुरी भिंडी बन गई है और ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है। अभी इसे हम निकाल देंगे कढ़ाई से और उसके ऊपर सुखा मसाला छिड़क देंगे। जो आमचूर और रेड चिल्ली पाउडर हमने मिक्स करके रखा है वो हम इसके ऊपर छिड़क देंगे। अभी हम इसे निकाल के एब्जॉर्बन पेपर पे रख देंगे थोड़ा टाइम के लिए, जैसे उसका एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। ये आपकी बन गई कुरकुरी भिंडी। ये बहुत ही अच्छी क्रिस्पी बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिए और टेस्ट कीजिए, बहुत ही प्यारी लगती है। इसे आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं या तो आप लंच के एक डिश में भी बना सकते हैं। आप मेरी डिशेस को देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और मेरी नेक्स्ट डिश का वेट कीजिए। विल बी बैक सून विथ न्यू डिश। दिस इज़ कविता भक्तियानी। टिल देन बाय, इन्जॉय।